आज आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने वाले एक गेम के बारे में बताने वाले हैं और उस खेल का नाम है लॉन बॉल्स। बता दें कि लॉन बॉल्स इस बार भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचा है। न्यूजीलैंड को 16-13 से मात देकर भारत ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार अपना पदक पक्का किया है। भारत का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होने वाला है, लेकिन इस जीत के साथ टीम का सिल्वर मेडल तो पक्का ही है। वहीं भारतीय महिला टीम में लवली चैबे, पिंकी नयन मोनी, सेकिया और रूपा रानी तिर्की शामिल हैं। बता दें कि इस खेल के बारे में देश में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन लॉन बॉल्स का गेम जिस मैदान में खेला जाता है उसे बॉलिंग ग्रीन कहा जाता है। इसमें कई रिंग बने होते हैं और इनमें ही खेल होता है। लॉन बॉल का खेल सिंगल्स, पेयर्स, ट्रिपल और फोर्स में खेला जाता है। अब जानते हैं कि लॉन बॉल्स के नियम क्या होते हैं। दरअसल इस गेम में एक बॉल को मैदान पर फेंका जाता है, यानी कि उसे रोल करके खिलाड़ी द्वारा आगे डाला जाता है। इस गेम में एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे जैक कहते हैं। जैक का दूसरा नाम लक्ष्य होता है, यानी कि खिलाड़ी को बॉल को उस जैक तक पहुंचाना होता है। जैक की लंबाई की बात करें तो करीब ये 23 मीटर का होता है। अब जानते हैं कि गेम में पॉइंट सिस्टम क्या होता है। पॉइंट सिस्टम का इस खेल में ज्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन जिस देश का खिलाड़ी जैक के जितनी करीब पहुंच जाता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। सिंगल मैच में अगर कोई खिलाड़ी पहले 21 नंबर हासिल कर लेता है तो फिर वो विजेता बन जाता है। इसके अलावा डबल और अन्य गेम में 18 नंबर हासिल करने होते हैं। आइए जानते हैं लॉन बॉल्स का कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या इतिहास रहा है। साल 1930 से ही लॉन बॉल्स कॉमनवेल्थ गेम्स का हमेशा हिस्सा रहा है। बस एक साल इस गेम का आयोजन नहीं किया गया था। भारत को 22 साल से इस गेम में अभी तक कोई भी पदक नहीं मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड इस गेम में अभी तक 51 मेडल्स जीत चुका है, जिसमें 20 गोल्ड, 9 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे ब्रिटिश एम्पायर खेल के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी खबरिस्तान। नमस्कार।